दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है 18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 25 जून जुमा का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। तेलंगाना में 4 दिन से लॉकडाउन हटने के बाद थोड़ा सा इजाफा हुआ है कोविड-19 में। कोविड-19 सिम्टम्स के साथ लोग हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लोग 20 जून से पहले लॉकडाउन के वक्त जो राहत वक्त था उसी वक्त पर कुछ लोग इन्फेक्शन से मुतासिर हुए थे और उन्हें अब सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी लॉकडाउन पूरी तरह उनकल खुल चुका है के बाद ये लोग प्रोटोकॉल अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वक्त वक्त कोविड केसेस में इजाफा हो सकता है। हैदराबाद में केसेस अभी ज़्यादा या कभी कम हो रहे हैं और करीबी डिस्ट्रिक्स में भी यही हाल है। डॉक्टर मोहन गुप्ता सीनियर मेंबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, पिछले 2 दिन से कोविड केसेस में हल्का सा इजाफा देखा जा रहा है मगर पूरी तरह देखा जाए तो कोविड केसेस अभी तेलंगाना में काबू में है। ये अचानक हल्के से केसेस में इजाफा इसलिए हुआ है, अचानक शादियाँ, छोटे दावतें या एक साथ फिर से जमा हो रहे हैं, ये वजह हो सकती है। अगर लोग सही तरह कोविड के गाइडलाइंस पर अमल नहीं करेंगे तो कोविड केसेस में इजाफा हो सकता है। द सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIE सैयद उमर जलील ने जूनियर कॉलेजेस फिर से खोलने पर कुछ अहकाम जारी किए गए कॉलेजेस के लिए। उसमें ये लिखा है कि पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लिख लेना उनके बच्चों को कॉलेजेस भेजने से पहले और कॉलेजेस पूरे कोविड-19 के अहकाम को फॉलो करना, जैसा कि साफ और मुकम्मल सैनिटाइज रहना कॉलेजेस, इसके अलावा एक क्लास में 45 बच्चों से ज़्यादा नहीं रहना और हर स्टूडेंट के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रहना और 2 रूम आइसोलेशन के लिए रखना कभी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए और मुकम्मल तौर पर कोविड-19 SOPs फॉलो करना। तेलंगाना CM KCR ने आज कांग्रेस MLAs को मिलने की मंजूरी देते ही सारे सियासी पार्टीज में हलचल मच गई। आज तेलंगाना TLP लीडर भट्टू विक्रमा और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने CM KCR से मुलाकात की और मुतालबा किया सख्त एक्शन का, लिया जाए जो भी जिम्मेदार है मरियम्मा की मौत के, जो कि एक दलित औरत थी, उनकी मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। उसी ताल्लुक से कांग्रेस MLA CM KCR से मुलाकात की है और CM KCR से उनको भरोसा दिया एक गवर्नमेंट जॉब मरियम्मा के बेटे को साथ ही 15 लाख का एक्स ग्रेजेटेरिया और मुकम्मल तौर पे उसकी इंक्वायरी होगी। अगर कोई पुलिस की लापरवाही निकलती है तो उसी वक्त उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, CM KCR ने कहा। वाजह है कि नाजरीन ये पहली मरतबा है पिछले 7 सालों में CM KCR ने अपोजिशन पार्टी को अपॉइंटमेंट दिए, इससे पहले वो कभी नहीं दिए थे सिवाय MIM पार्टी के। ये हो सकता है कि इटला राजीधन TRS पार्टी छोड़ने के बाद CM KCR अपना काम करने का तरीका कुछ बदलना चाहते हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 1060 कोविड-19 के नए केसेस सामने आए और 11 लोग की मौत हुई। सबसे ज़्यादा GHMC में 135 नए केसेस पाए गए हैं। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली 104 साल ज़ईफ़ औरत ने कोविड-19 को शिकस्त दे दी। वो डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से, जो कि 6 दिन से हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी और पूरी तरह कोरोना से निजात पा ली। इसी तरह पिछले महीने एक 110 साल ज़ईफ़ औरत ने हैदराबाद में कोविड-19 को शिकस्त दे दी थी। तेलंगाना ने अभी तक पूरे 1 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल है और सबसे कम आसिफाबाद में वैक्सीनेशन दिया गया। आज असदुद्दीन अवैसी ने मक्का मस्जिद का दौरा किया। मक्का मस्जिद में लेडीज़ जेंट्स के लिए नए टॉयलेट्स, नमाजियों के लिए वजू खाने, इसके अलावा महाजरीन कैंप और लाड़ बाज़ार में बल्दिया के करोड़ ऑफ रुपीज़ वर्थ के काम, सदर मजलिस का बयान। साथ में सीनियर MLA मुमताज़ अहमद खान भी मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अराकीन बल्दिया की नुमाइंदगी व उनकी दिलचस्पी की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद में जो वजू का हाउस का पूरा काम असर नौ किया गया, जिसकी लागत 22,36,000 रुपये थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा काम मुकम्मल हो चुका है और फाउंटेन के साथ, जिसका आज इफ्तिताह भी हो गया है। और मक्का मस्जिद में
खवातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला जो पुराना था उसको डिमोलिश करके वहाँ पर 1 करोड़ की लागत से खवातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला और वजू का इंतज़ाम वहाँ पर तामीर हो चुका है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपये थी। और साथ ही साथ लाल बाज़ार मेन रोड पर एक पानी की लाइन जो डैमेज थी, पोल्यूटेड थी, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुंचा। उसकी लागत 10,55,000 रुपये थी। साथ ही साथ महाजरीन कैंप में जो मक्का मस्जिद से मुतसल इलाका है वहाँ पर रिमॉडलिंग हुई सीवरेज लाइन की, जो पुरानी डैमेज हो चुकी थी 200 MI डाया सीवरेज लाइन की, वो भी काम मुकम्मल हो चुका है, उसका इफ्तिताह आज हुआ है। उसकी लागत 19 लाख रुपये। और वहीं पर एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप में 18 लाख की लागत से सीवरेज लाइन नई डाली गई, वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाई लेंस में पूरा काम हो चुका है, उसकी लागत 18 लाख रुपए। और साथ ही साथ एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप के बाई लेंस में जो रिमॉडलिंग और नई सीवरेज लाइन डाली गई उसकी लागत 20 लाख रुपए थी। तो कुल मिलाकर मक्का मस्जिद और महाजरीन कैंप में आज करीब 1,90,90,000 के करीब कामों का नया इफ्तिताह हुआ और ये काम पूरे हो चुके हैं। एक और अहम बात यह है कि लाल बाज़ार में जो काम चल रहा है और उस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए आज हमने बरखी के अहदेदारों के साथ बातचीत की, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी थे। डक्टिंग का काम करना है और मैंने सख्ती से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के SC को और एलेक्स बरखी के इलेक्ट्रिसिटी के जिम्मेदारों को कहा कि 15 दिन के अंदर, कम से कम जुलाई 15 तक वो डक्टिंग का काम ख़त्म होना चाहिए। और जुलाई 15 के दिन इंशाल्लाह मैं और MLA साहब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुजफ्फ़र साहब और अराकीन बल्दिया आकर जो ग्रेनाइट फ्लोरिंग का जो काम है इंशाल्लाह जुलाई 15 के दिन आकर उस काम का हम शुरुआत का आगाज़ करेंगे। तो ये तमाम बातें थी ज़रूरी जो आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director, Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.